डिविजन्स के होते हैं, चैम्बर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, पंचायतों के, म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, मगर उसमें जो जो एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है इलेक्शन से, और वो इलेक्शन का सही मतलब जो है उसके मीनिंगलेस हो जाता है। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो लोगों ने अपने वोट डाल के जो गवर्नमेंट चुननी है वो रह जाता है पीछे, और पैसा आगे आ जाता है, और पैसा खर्चने में बिग हाउसेज अपना रोल प्ले करते हैं। सो एक तो ये उसका एक गलत एक मैसेज जाता है। दूसरी बात ये है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स की कन्वीनियंस उसमें नहीं देखी जाती। तो हम इस सारी इस प्रोसेस के हक में नहीं थे जो इस देश में चल रहा था। मीन बाय हम पैसे के रोल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें, मैं उन दिनों नया नया वकालत करने आया था, हमारे गुप्ता साहब सीनियर थे, हमने उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब इंडिया रह चुके हैं तेर सिंह ठाकुर साहब, वो भी इधर इलेक्शन लड़ रहे थे और कुछ लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। कहीं होटलों में पार्टियां होती थी, हमें पता चलता था, हमें वो अच्छा नहीं लगा। हमने कहा भाई हम जो वकील हैं, जो वोटर्स हैं, ये कैंडिडेट हमें इधर कोर्ट में ही एड्रेस कर दें, हमारी बार एसोसिएशन में आ जाए, हम इकट्ठे हो जाएंगे तो इधर ही सुन लेंगे तुम्हें, हम तुम्हारी पार्टियों में नहीं जाएंगे। दैट वाज द बेसिक। तो हमने वो पहली मीटिंग मुबारक मंडी में, वहाँ हमारा बार एसोसिएशन का एक हाल हुआ करता था, वहाँ हमने मीटिंग बुलाई। और 32 साल पहले वहाँ कैंडिडेट्स आए, हमने उनको सुना, सवाल जवाब हुए, बात करते। उसके बाद ये प्रोसेस हमारा जो है आज तक चलता आ रहा है। इलेक्शन, हाँ, अगर हमारे में से कोई इलेक्शन लड़े तो उस वक्त उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो बाकी वाली टीम हमारी चलती रहे। जो